हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस हम आपका क्रैश कोर्स चला रहे हैं यूट्यूब पे जेके बैंकिंग एसोसिएट के लिए, ठीक है। सो जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट के अभी तक हमने लिया अबाउट 4 to 5 लेक्चर, शायद आपके मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के पहले ही अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। कल लाइव क्लास में बच्चों ने इंक्वायरी किया था कि सर हमें कुछ क्वेश्चन पजल पे या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पे पढ़ाया जाए, ठीक है। सो आज हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका पिक करने जा रहे हैं बेस ऑन पजल पे, ठीक है। एक आपका यहाँ रहेगा पजल, लेकिन पजल कैसी आपकी यहाँ पे आप बोलोगे बॉक्स बेस पजल, क्या आपका यहाँ पे बॉक्स बेस पजल। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हम पिक कर रहे हैं आपका डीआई का, ठीक है। कैसा आपका यहाँ पे टेबल फॉर्म में, डाटा टेबल फॉर्म में, ठीक है। सो गाइस आई होप ये दो क्वेश्चन जो आपके हैं थोड़े आपके ज्यादा इजी लेवल के नहीं है, थोड़े आपके टफ लेवल के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैं बात करूं जो आपकी पजल है, ठीक है, ये पजल आपको IBPS में, ठीक है, प्री में आई हुई है, पीओ में 2018 में, ठीक है। सो आप कोशिश करना कि यहां से समझो कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका एक्चुअल में यहां पे तरीका क्या है और कैसे कैसे हमने स्टेप फॉलो करने हैं, कैसी आपकी पॉसिबिलिटी बन के आती है, कैसे हमने वन बाय वन आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट करना है, ठीक है। प्लस गाइस हमने कल लाइव सेशन लिया था, आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि जो आपके कोर्सेज हैं बैंकिंग एसोसिएट का जो कोर्स है और उसके मॉक टेस्ट हैं दोनों पे आपको 25% ऑफ अवेलेबल है, ठीक है। आप आज ही रजिस्टर कर सकते हैं, आज आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है, ठीक है। सो जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप बैंकिंग एसोसिएट का आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो आपके पास 25 से 30 दिन है, आप रेगुलर पढ़ के एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे रजिस्टर करे हैं अगर उनको दिक्कत आ रही है कि कौन से टॉपिक को पहले पिक करना है कौन से टॉपिक को बाद में पिक करना है, सो गाइज आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपके टॉपिक कैसे कैसे हैं और किसकी वेटेज ज्यादा है, किसकी वेटेज कम है, किसको पहले पिक करना है, किसको आपने बाद में पिक करना है, आपकी सिलेक्शन कैसी रहनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज चलिए, ठीक है, जैसे आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, जो आप टॉपिक कवर कर रहे हो टॉपिक कवर करने के साथ साथ आप मॉक टेस्ट में जाके अपने मॉक टेस्ट उसी टॉपिक के रिलेटेड वहां पे अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है। आपका क्या होगा, आप अगर एक दिन में एक मैथ का, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके टॉपिक के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। चलो आपको यहाँ स्क्रीन पे एक पजल दिखाई दे रही है, इस पजल में क्या बोला गया आपको, इस पजल में बताया गया है कि देर आर 7 बॉक्सेस, ठीक है, और जो 7 बॉक्सेस उसका नाम क्या है आपके यहाँ पे RST, देखो मैं आपकी इंफॉर्मेशन यहां नोट कर रहा हूं RST, ठीक है, UVW and X, ये क्या आपके यहां पे 7 बॉक्सेस हैं। अब इन 7 बॉक्सेस से साथ साथ बताया गया है बट आर नॉट वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये आपके वन अबव द अदर है लेकिन ये एक ऐसे ही ऑर्डर में गिवन नहीं है। अब यहां बोला गया आपको कि ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, वो क्या चीज है, आप बोलोगे पहले में आपका चॉकलेट है, ठीक है, मतलब किसी में आपका चॉकलेट है, किसी में एसेसरी, किसी में रिबन है, किसी में बैलून, किसी में की है, ठीक है, किसी में पिन है और किसी में नट है, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे बॉक्स में अवेलेबल है, ये सब चीजें आपकी बॉक्स में पड़ी हुई है। अब किस बॉक्स में कौन सी है आपको एक्चुअल में ये निकालने को बोला होगा। अब वन बाय वन हम सारी इंफॉर्मेशन यहां पे रीड करेंगे और जैसे जैसे आपको जो पुट करके आंसर निकलते जाएगा उसको हम यहां निकालते रहेंगे। देखो पहली इंफॉर्मेशन यहां पे ये है, वन ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन यू एंड वी, मतलब क्या है यहां पे, देयर आर ओनली 3 बॉक्स केप्ट बिटवीन यू एंड वी। देखो यू एंड वी के बीच में 3 बॉक्स है, तो अगर बेटा मैं यहां पे यू बनाता हूं तो 1, 2, 3, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे यू एंड बी के बीच में 3 बॉक्स, लेकिन बेटा इनकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, वी ऊपर होगा और 1, 2, 3, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे यू आएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, नेक्स्ट बोला गया है द रिबन बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव यू, जो रिबन वाला बॉक्स है उसको इमीडिएटली अबव यू रखा हुआ। देखो मैं दोनों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, रिबन इमीडिएटली अबव यू, तो रिबन कहाँ आएगा आपको, बॉक्स यहाँ पे, ठीक है, जो बॉक्स यहाँ पे लाई करेगा उसमें क्या होगा रिबन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा आपका रिबन, ठीक है, रिबन बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव यू। देन क्या बोला गया उसके बाद आपको, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द रिबन एंड द नट्स बॉक्स, ठीक है, जो आपका रिबन है, रिबन और जो कौन सा आपका यहाँ पे नट्स बॉक्स है उसके बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स पड़ा हुआ है,
रिबन और नट वाले के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स आपका यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। देन बोला गया है आपको यहां द नट बॉक्स इज केप्ट बिलो द रिबन, जो नट है वो आपका रिबन के नीचे होगा। देखो रिबन और नट के बीच में आपका एक बॉक्स है, तो अगर रिबन यहां है और बोला गया है जो रिबन है वो आपका अबव है किससे, आपका नट से। जब बोला गया है नट वाला बिलो है रिबन से, तो ऑब्वियसली बात है एक बॉक्स, तो यहां पे कौन आएगा, नट्स। क्या आएगा यहां से, आपका नट्स। तो यहां पे क्या बन के आएगा, आपका नट्स। आई होप इतनी चीजें आपको यहां पे क्लियर होगी है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आप डालते जा रहे हो उसको आपने क्रॉस करते रहना है। अब नेक्स्ट क्या है आपका यहां बोला हुआ, ओनली टू बॉक्स आर केप्ट बिटवीन द नट एंड आर, नट और आर के बीच में आपके यहां पे टू बॉक्स है। देखो अगर बेटा आपका नट ये है, ठीक है, नट ये है, अब एक दो यहां पे अगर आप आर बिठाते हो तो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात, तो आपके सात बॉक्स यहां पे बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब बोला गया है नट, ठीक है, और आर के बीच में आपके यहां पे दो बॉक्स है, तो आप आर अगर यहां बनाना चाहो तो आर यहां नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे कौन बैठा हुआ, आपका वी बॉक्स। तो नट अगर यहां एक दो, यहां पे कौन आएगा, आपका आर, यहां पे कौन आएगा, आपका आर, क्योंकि नट और आर के बीच में यहां पे दो आपके बॉक्सेस प्रेजेंट है। देयर आर टू बॉक्सेस, ओनली टू बॉक्स बिटवीन नट एंड आर। तो अगर नट यहां पे है, आर आपका ओबीसी यहां आएगा, और अगर आपका नट यहां है तो आर के यहां पे आने के चांसेस नहीं है। अगर आर यहां पे आ सकता तो मैं यहां पे इसके दो पॉसिबल केस बनाता, ठीक है। अब देखो अगर नट यहां है, मैं दो बॉक्स होगी यहां पे आर बनाऊंगा, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, आपके नौ केस नौ बॉक्स हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर नट यहां है तो एक दो यहां पे बनाना पड़ेगा आपको आर, ये कौन आएगा, आपका आर। इतनी बात आपको यहां क्लियर हो रही है, चलिए। देन बोला गया यहां पे आपको एस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एक्स, तो एक्स के बिल्कुल नीचे कौन होगा, आपका एस, इसको यहां पे बॉक्स में बना के डाल दो, ठीक है। एक्स के बिल्कुल नीचे कौन होगा, यहां से आपका एस। अब देखो यहां अगर बात करूं एक्स कहां होगा, आपका एस कौन होगा, देखो आपका क्या है, यहां बोला गया है इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में S is kept immediately below X. S is not immediately above V. जो S है, ये आपका V के ऊपर नहीं होगा, V के immediately above आपका S नहीं होगा। देखो अब V यहां है तो मैं S को यहां नहीं डाल सकता, S को obviously बात है यहां पे डालना पड़ेगा। अगर S यहां आएगा तो आपका X यहां पे आ जाएगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि S जो है वो immediately above V नहीं आ सकता है, तो S यहां आएगा, X यहां आएगा, तो आपका ये अरेंजमेंट बन गया, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात बॉक्स बन गया आपके यहां। अब देखो आप क्या है, एक दो तीन चार पांच छह, अगर सात यहां बनाते हो आप, तो आप x के नीचे s इकट्ठा नहीं कर सकते हो, x और s आपका इकट्ठा ना चाहिए, तो आपको सातवां बॉक्स बनाना पड़ेगा यहां, जिससे क्या होगा आपका बेटा, यहां पे आपका आएगा x, और यहां पे कौन आएगा, आपका s। आई होप आपको यहां पे चीजें क्लियर होती जा रही है, ठीक है। अब क्या है इसके बाद बोला आपको, ओनली टू बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एक्स एंड द बैलून बॉक्स, बैलून बॉक्स और एक्स के बीच में आपके दो बॉक्स होंगे। देखो एक्स अगर ये है, एक दो, यहां पे कौन होगा आपका, बैलून, कौन होगा आपका यहां पे, बैलून। अब यहां पे अगर एक्स है तो एक दो, यहां पे कौन हो सकता है आपका, बैलून यहां पे हो सकता है। अब एक्स यहां है, एक दो, यहां पे भी आपका बैलून हो सकता है, बिल्कुल। इसको मैंने अभी यहां पे ड्रॉ नहीं किया, वी डज नॉट कंटेन बैलून, तो वी आपका बैलून नहीं है। तो अगर एक्स ये है, एक दो, यहां पे कौन आएगा, आपका बैलून। देखो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको सब कुछ यहां पे क्लियर होता जा रहा है ना। अब नेक्स्ट यहां क्या बोला गया है, द चॉकलेट बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएटली अबव कौन है, चॉकलेट। देखो डब्ल्यू मैं यहां पे डाल नहीं सकता है ना, क्योंकि इसके ऊपर कौन है, बैलून। तो डब्ल्यू अगर मैं यहां पे डालूंगा तो यहां पे कौन आएगा, चॉकलेट आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अगर मैं डब्ल्यू यहां डालूंगा तो यहां पे क्या आएगा, आपका चॉकलेट। बना दो यहां पे डब्ल्यू, आपका डब्ल्यू अगर यहां आएगा, यहां पे कौन आएगा, आपका चॉकलेट, ठीक है, ठीक है। द बॉक्स चॉकलेट बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, ओनली थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन चॉकलेट एंड एसेसरी, चॉकलेट और एसेसरी के बीच में तीन बॉक्स होंगे। देखो चॉकलेट अगर यहां है, एक दो, यहां नहीं बन सकता, एक दो तीन, यहां पे आपका एसेसरी आना चाहिए था, लेकिन नहीं बन सकता, तो आपका ये केस यहां से क्या हो गया, गलत। अब एक दो तीन, यहां पे कौन आएगा बेटा, आपका एसेसरी, कौन सा आएगा आपका यहां पे, एसेसरी। देन क्या बोला गया है आपका, W does not contain key. W के पास key नहीं है, तो obviously बात है key कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। अगर key यहाँ पे आया तो यहाँ पे कौन आ गया आपका, pin। यहाँ पे कौन आया आपका,
पिन। तो ये आपका यहाँ पे जो अरेंजमेंट था, जो आपका बॉक्स बेस पजल थी, ये सॉल्व हो गई, ये आपके पेयर बन के आए हैं। अब इसी पेयर पे बेस आपके बेटा पांच क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे यहां दिखाई दे रहे हैं। क्या बोला गया है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन टी एंड द नट बॉक्स। टी, ठीक है, अब देखो यहां पर टी कहां है आपका, ये आपका कौन आएगा यहां से, टी। How many boxes are placed between T and nut? तो T and nut के बीच में आपका एक box है। इसका answer आएगा option third, which is one. Then four of the following five are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? इनमें से कौन सा group को belong नहीं कर रहा है? पहला है X और ribbon, X और ribbon. Second है यहाँ से आपका S और pin, ठीक है. Third है आपका यहाँ पे V और balloon. तो V और balloon, देखो X और रिबन के बीच में आपका एक बॉक्स है, V और बैलून के बीच में आपका एक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद U और की, तो U और की के बीच में आपका एक बॉक्स है। R और चॉकलेट, R और चॉकलेट के बीच में आपका एक बॉक्स है। लेकिन S और पिन के बीच में आपके चार बॉक्स हैं, मतलब यहां पे कौन सा अलाइक नहीं है? तो आप बोलोगे ऑप्शन सेकेंड, विच इज S और पिन, क्या है इसका यहां पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, वट इज द पोजिशन ऑफ S इन द गिवन स्टैक ऑफ बॉक्सिस। S की यहां पोजीशन क्या है, तो S की अगर पोजीशन की बात करूं तो S का यहां पे फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम, विच इज ऑप्शन नंबर फिफ्थ, क्या है इसका आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन पिन, इनमें से कौन से बॉक्स हैं जिसमें पिन है? तो पिन कहां पे है, W में, तो W आपका जो है ऑप्शन नंबर फोर, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो R, इमीडिएटली बिलो R कौन है, T, तो इसका आंसर आएगा T और रिबन। तो आंसर आने वाला आपका यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विच इज रिबन बॉक्स। तो गाइस ये आपके पांच क्वेश्चन थे बेस ऑन दिस पजल, ठीक है। ये जो पजल आपने की है, इस पजल पे बेस आपको पांच क्वेश्चन थे। आई होप आपको यहां पे पांच क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए बेटा अब यहां मूव करते हैं आपका जो DI आज हम करने वाले हैं, ठीक है। इस DI में, इस DI को हम यहां बोल सकते हैं आपका टेबल, डाटा टेबल, द टेबल चार्ट बोलते हैं, जैसा आपका मन करे आप यहां पे इसका नाम दे सकते हो, ठीक। चलिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया आपको यहां पे, पहले आपको डायरेक्शन गिवन है, बताया गया है जो नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन है वो आपकी इस डायरेक्शन पे बेस होगा, लेकिन आपको एक टेबल बनाया गया है यहां पे। टेबल में क्या बोला गया आपको, यहां देखो जो नंबर ऑफ मूवीज है वो इक्वल टू नंबर ऑफ हॉलीवुड मूवी प्लस नंबर ऑफ बॉलीवुड मूवीज है। और बोला गया है स्टूडेंट है आपके ABCDE, पांच स्टूडेंट है आपके यहां पे, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट ABCDE और E, ये आपके पांच स्टूडेंट है। अब ये पांच स्टूडेंट आपके मूवी देखने आते हैं और टोटल नंबर ऑफ मूवी वॉच, टोटल नंबर ऑफ मूवी वॉच्ड, ये बोला गया। देन बोला गया आपको यहां पे रेशियो ऑफ हॉलीवुड, रेशियो ऑफ हॉलीवुड इज टू बॉलीवुड, हॉलीवुड इज टू बॉलीवुड की आपको यहां पे रेशियो गिवन है। चलिए देखिए अब यहां पे, अब यहां इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। देखो क्या है, रेशियो ऑफ बॉलीवुड टू हॉलीवुड आपका यहां गिवन है 4:3, 11:9, 4:3, 11:9। देन थर्ड है आपका 3:7, 3:7, 13:12, ठीक है, और 6:9, और क्या 16:9, कितना है 16:9। और टोटल नंबर ऑफ मूवी वॉच है 250, 400, ठीक है 250, 400, द नेक्स्ट है 250, 200, 250, 200, और लास्ट के आपका यहाँ पे 375, कितना है 375, है ना। आई होप आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नोट कर ली होगी, 350, 400, 250, 200 और 375। पहला आपका यहाँ पे 350 है, 350, 400, 250, 200 और 375, 4:3, 11:9, 3:2, ठीक है, देन है आपका यहाँ पे सॉरी 3:7 और 13:12 और 16:9। चलिए पहले मैं यहाँ पे इसको ना ब्रेक कर देता हूँ आपका हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी की फॉर्म में। देखो अगर हॉलीवुड मूवी की बात करूँ तो 350 के 4:7 मतलब 7 पार्ट करने हैं। देखो 350 है ना, 4 पार्ट हॉलीवुड है, 3 पार्ट आपका बॉलीवुड है, तो आपने इसके यहाँ पे 7 पार्ट करने हैं। एक पार्ट यहाँ निकलेगा आपका कितना 50 का, तो ये बन जाएगा आपका 200:150,
150 मतलब 20, तो आप 20 को डिवाइड करोगे 400 से, आपका आंसर आएगा 20, तो ये बन जाएगा आपका 220:180। थर्ड 250 और ये बनेगा आपका 10, तो एक पार्ट बनेगा 25 का, ये बनेगा 75:175। ये आपका हॉलीवुड है, ये बॉलीवुड है। 13 और 15 तो 13:12 आपका यहाँ पे कितना बनेगा 25, 25 के हिसाब से 200 से डिवाइड करोगे बनेगा 8, तो 8 ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 12, ये बनेगा 104 और 96 375 60 into 9 कितना आपका यहाँ पे 16:9 बनता है आपका 25, 375 को आप डिवाइड करोगे आपका बनेगा 15 into 16 बनेगा 240, 15 into 9 बनेगा आपका यहाँ पे 135, तो कितना मन क्या आएगा आपका यहाँ पे 375, है ना। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो ये जब आपका इतना पार्ट बन गया, अब आते हैं क्वेश्चंस पे बात। देखो ये आपको जब खुद से ट्राई करना है ना, तो आपको ज्यादा नहीं 1 मिनट या 2 मिनट आपको यहाँ लगेंगे, है ना। 2 मिनट आप मान के चलो कि आपको लग गया है, 2 मिनट कंज्यूम हुआ है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगले 2 मिनट में आपको 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे इसके सही अटेम्प्ट करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉलीवुड मूवीज वॉच्ड बाय स्टूडेंट ए बी एंड डी। ए बी और डी ने कितनी यहाँ पे आपकी बॉलीवुड मूवी आपकी देखी है, लेकिन एवरेज ए कितना है आपका यहाँ बेटा 150, बी है 180 और डी है आपका 96, डिवाइड बाय 3 करिए, ये बनेगा आपका 230 और 90 आपका यहाँ बनेगा 4 320 326/3, है ना। इसको आप अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे, सॉरी 100, 200, 300, 400, 426/3 इसको सॉल्व करोगे बन के आएगा आपका यहाँ पे 142, कितना बनेगा 142, 142, हाँ। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ बोला हुआ, सेकंड क्वेश्चन बताया गया था टोटल नंबर ऑफ हॉलीवुड मूवी वॉच बाय स्टूडेंट ई। अब टोटल नंबर ऑफ हॉलीवुड मूवी वॉच बाय स्टूडेंट ई कितना बोलोगे, 240, कितना यहाँ पे 240, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मूवीज वॉच बाय स्टूडेंट बी, ठीक है। व्हाट नंबर ऑफ द टोटल मूवी वॉच बाय बी, अब बी ने टोटल आपकी यहाँ पे 400 मूवी देखी है, तो दोनों का गैप आपका यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे गैप आ रहा है यहाँ पे 160 का, कितना गैप आया 160 का, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज निकालने को बोला गया है, तो आप बोलोगे 160 विद रिस्पेक्ट टू डी बोला गया है अपॉन 400 इंटू करना पड़ेगा आपको 100, ये आपका परसेंटेज में आंसर निकल के आएगा, निकालो, ये बनेगा 4, ये बनेगा आपका 10, 10 कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे आंसर आया 40%, कितना आंसर आया आपका यहाँ पे 40%, तो 40% मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ क्या बताया गया है, द टोटल नंबर ऑफ हॉलीवुड मूवीज वॉच बाय स्टूडेंट सी एंड बी टुगेदर, हॉलीवुड मूवी वॉच बाय बी एंड सी टुगेदर, तो बी एंड सी ने यहाँ पे कितनी देखी 200 और आपका ये बनेगा 295, कितना बनेगा 295, है ना। इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉलीवुड मूवीज वॉच बाय डी एंड ई, बॉलीवुड मूवी वॉच बाय डी एंड ई, तो देखो डी एंड ई 135 और 96, ठीक है, ये बनेगा 140 और 90 आपका बनेगा 230 231, कितना आपका यहाँ पे 231। अब कितना काम है अगर आप निकालोगे, बनेगा आपका 4, बनेगा आपका 6, तो 64 यहाँ पे इसका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है, आपने बताया गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मूवीज वॉच बाय सी एंड डी टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ मूवी वॉच बाय सी एंड डी टुगेदर, ये आपका हो गया यहाँ पे 450, कितना हो गया 450 इज टू द टोटल इज टू द नंबर ऑफ मूवीज बॉलीवुड मूवीज वॉच बाय बी सी ई, तो बी सी और ई ने यहाँ पे बॉलीवुड मूवी आपकी कितनी देखी है, आपको दोनों की रेशियो निकालनी है। अब बी सी और ई बॉलीवुड मूवी ये बनेगा आपका ऐड करके 135 और 175, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 300 480, बनेगा आपका यहाँ पे 480, सॉल्व करो 45:48, ये बनता है आपका यहाँ पे 15:16 क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 15:16 क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है, मतलब आपका सॉरी हमने कहीं पे कुछ बी सी और ई, बी सी और ई आपका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे 15:16 बी सी ई। चलिए
175, 135, सॉरी ये आपका 210 बनेगा, 310 बनेगा, है ना, और ये आपका 180 बनेगा, 490, 490, 45:49 कोई ऑप्शन है आपका यहाँ? हाँ, ऑप्शन बी क्या है इसका, यहाँ पे आपका राइट आंसर है 45:49। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं आपके यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मूवीज वॉच बाय बी एंड डी, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मूवीज वॉच बाय बी एंड डी। तो बी एंड डी ने टोटल लिखी है आपके 600 मूवीज, 400 और 200, 600, उनका एवरेज आ गया आपका यहाँ पे 300, कितना एवरेज आ गया 300। देन बोला गया है इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मूवीज वॉच बाय ए एंड सी, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मूवी वॉच बाय ए एंड सी, तो 350 और 250, ये भी कितना बनेगा आपका 600, उसका एवरेज भी कितना है यहाँ पे आपका 300, कितना है यहाँ पे आपका 300, तो कितना परसेंट है आपको पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है 300/300×100, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा परसेंटेज में। तो क्या आंसर है आपका यहाँ पे, आपका सिंपल सा आंसर आया यहाँ पे 100%, कितना है 100%, ऑप्शन नंबर ई क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्लियर, सो गाइस एक बार क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ये पांच क्वेश्चन थे, पांच के पांच क्वेश्चन आपके इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड थे। हमने यहाँ पे गलत किया था कि 45:49 कर दिया था, 480 कर दिया था, क्यों, क्योंकि हमने 175+135 यहाँ पे हमने 200 लिखा था, 300 लिखा था, लेकिन वो आपका 310 बनता है, प्लस 180 बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना 490, 45:49, ये आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ रहा है। सो गाइस आई होप आपको ये दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन प्लस हमने आज यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन किए हैं, एक पजल और डीआई, होपफुली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कंसेप्ट दिमाग में इस पे आया होगा। ठीक है, सो आप क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन है आपके बेस्ड ऑन पजल एंड डीआई पे, वहां से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको कुछ बुकलेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे सकता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकती है, वो पीडीएफ पड़ी हुई हमारे चैनल पे, सो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो पजल और डीआई पे। क्लियर, अगर ये 30 मार्क्स की बात करूं, तो 20 से 25 अगर आपको यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन आते हैं ना पजल और डीआई के, तो ये 25 अगर आप 25 मिनट में भी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके साथ जो बाकी टॉपिक है वो आपको जल्दी यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर, सो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर, साथ में वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। क्लियर गाइस, सो गाइस खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।